सो अभी हूँ मैं हॉस्पिटल और रात के बज रहे हैं करीबन करीबन 11। तो कुछ ऐसा है माहौल हॉस्पिटल का, कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो आना पड़ा। और अभी मैं थोड़ी ठंड लग रही है, तो ठंड तो क्या लग रही है, मतलब कुछ खा पी लेता हूँ, कुछ काफ़ी टाइम हो गया तो काफ़ी जा रहा हूँ मैं। कैफेटेरिया ढूंढ रहा था यहाँ पे काफ़ी देर से। हेलो जी, तो रात के बज रहे हैं 2 बज रहे हैं करीबन, लेकिन लोग ऐसे सोए हुए हैं देखो। और नीचे का हाल दिखाऊं आपको तो आप डर जाओगे, क्योंकि यार बीमारी में ना बुरे हाल हो जाते हैं लोगों के, कईयों के तो महीना महीना हो गया पड़े हुए। ये दिखाऊं मैं आपको, ये देखो नीचे तो इतने बुरे हाल है, मतलब सोने के लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि लोग 2-2, 4-4 महीनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। किसी का बेटा बीमार, किसी की माँ बीमार, किसी के मतलब सबके कोई ना कोई रिलेटिव है। तो काफ़ी हॉस्पिटल आके ना काफ़ी हो जाता है देख के माहौल, इतना ख़तरनाक सा माहौल हो जाता है। तो चलो अब मैं रिपोर्ट लेके रिपोर्ट लाने जा रहा हूँ, तो देखता हूँ दूसरा राउंड है अभी, क्योंकि पहली बार तो हुई नहीं थी, और दोबारा से देखता हूँ। तो यहाँ का हाल क्या है पूछो मत। तो अभी भी लैब असिस्टेंट बोल रहा है कि 15 मिनट बाद आना, क्या अभी हुई नहीं है। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो चाय पी आते हैं, थोड़ा चाय की तलब लग रही है। तो अभी रिपोर्ट वगैरह आ गई, तो रिपोर्ट तो स्टेबल ही आ रही है, इतना कुछ वो मतलब अच्छी आ रही है, तो देखते हैं। लेट्स वो, और ये अंदर है हॉस्पिटल के हाल। बाहर निकलते ही बड़ी ठंडी हवा आती है, लेकिन अंदर मौसम काफ़ी अच्छा है और इतनी ठंड नहीं है, लेकिन बाहर आते ही मौसम ठंडा हो जाता है, ठंडी हवा चलती है बाहर से, पता नहीं क्या हो गया। और सामने कैफेटेरिया है, ये देखो कैफेटेरिया थोड़ा नीचे आके गेट के पास है, ये देखो। तो चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। लो जी एक बिस्किट ले लिया, 2 चाय ले ली, मैंने अभी सुख ली। वाह क्या प्लेयर अच्छी मिली। अरे भाई साहब काम चलाओ, ट्रे मिल गई मुझे, कोई चलो चाय ले चलता हूँ। मुझे हॉस्पिटल आके थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ता है, रहना पड़ता है, ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा होए, होप सब बढ़िया हो जाए जल्दी से। तो चलो चाय ले चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये जुगाड़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका, ये गत्ते की ट्रे, इसमें बंदा 2-3-4 कप तक ले जा सकता है छोटी छोटी ट्रेयों में। तो काफ़ी अच्छी इनोवेशन सी लगी मुझे ये आइडिया सा, ना ट्रे की जरूरत है ना कुछ, गत्ते से काम चला लो। तो लो जी सवेरे के 4 बज गए हैं करीबन करीबन, और दोबारा से चाय की तलब जाग चुकी है, और ऊपर तो हॉल में इमरजेंसी में तो काफ़ी माड़े हाल है, मतलब काफ़ी लोग बीमार हैं, कई सीरियस हैं, तो काफ़ी लोग इमोशनल है वहाँ पे। तो अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा बाहर, यहाँ नीचे पहुँचते ही खुला है, तो यहाँ बड़ी ठंडी हवा आती है,
कैंटीन के बाहर, तो भैया अच्छी सी चाय बनाते हैं। पहले लेके गया था बिल्कुल पानी था, अपन क्या बनाया हुआ था तेजाब सा, अब थोड़ा बोलते हैं उसको थोड़ी अच्छी सी चाय बनाए। ये देखो ये कैंटीन है सामने, और ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा। तो चलो बने रहो व्लॉग में, आज का व्लॉग थोड़ा नॉट एंटरटेनमेंटिंग। लो भाई साहब, दो कप बनाए दूध पत्ती के, लेकिन 20 रुपए का एक, 40 रुपए के दो। बंदा काफ़ी रिक्वेस्ट की तब जाके बना भाई, कैंटीन वाला ने तो क्या ही बताएं। चलो एटलीस्ट बना दी बंदे ने। अरे भाई शिमला बना रखा है, ठंड बड़ी हो गई है। कैसे रहते हो इतनी ठंड में, लीटर से? सही है यार, कुछ ज्यादा हीटर खींच लेता है, कुछ ये खींच लेता है। क्या मोबाइल? अच्छा कितना टाइम पास कराता है, मोबाइल ना हो तो एक घंटा भी बैठना मुश्किल हो जाए। ये हीरोइन कौन है, ये आकांक्षा? अरे बिहार की। इस टाइम क्या सन्नाटा सन्नाटा हो जाता है। तो जो टाइम बज रहे हैं करीबन 7 बज रहे हैं, और सवेरे के टेस्ट हो गए हैं, तो उनकी रिपोर्ट में लेके लेने आया हूँ। मतलब सारे आईसीयू की रिपोर्ट दे दी उन्होंने लाने को, तो अभी वेटिंग पे खड़ा है, तो 15 मिनट बोला है अंदर से, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो भाई साहब अब जाके रिपोर्ट मिली है, ये देखो। दिन के करीबन 11 बज रहे हैं, और सवेरे सवेरे डायलिसिस के लिए बोल दिया था उन्होंने, तो डायलिसिस हो रहा है अंदर, तो अभी मैं थोड़ा बाहर आया। और यहाँ पे मैंने चप्पलें खोली थी, मेरी चप्पलें कोई गायब कर गया, तो अब मैं देख रहा हूँ कौन लेके गया, कौन ले गया यार चप्पलें यहाँ से पहन के ले गया। मैं अंदर था एक घंटे से, और कोई चुपचाप यहाँ से चप्पलें परो गया। बाकी प्रोग्रेस हो रही है थोड़ी, देखते हैं। सुन लो जी, दिन के बज रहे हैं 2 बज गए हैं करीबन करीबन, और डायलिसिस वगैरह हो गया है। अभी आ गए हम कैंटीन के पास, सो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि कल से कुछ खाया नहीं है, भूख भी काफ़ी लगी है। सवेरे चाय पी ली और बिस्किट, तो कुछ परांठा वगैरह खा लेते हैं। तो अभी डायलिसिस हो गई है और अभी आईसीयू में। तो अभी रात के करीबन बज रहे हैं 1:30, और अभी हॉस्पिटल आए थे, कुछ एमरजेंसी आ गई थी। आपको पता ही है 2 दिन से हम हॉस्पिटल में ही हैं, थोड़े मामा जी बीमार हैं, तो अभी नीचे आए थोड़ा चाय पानी पीने। और बाहर ठंड बहुत है आजकल, तो आज करीबन 5वां दिन है यहाँ हॉस्पिटल में। मामा जी को एडमिट हुए आईसीयू में, तो अभी टाइम बज रहा है करीबन सवेरे के 5:30 ही हो गए जागते हुए। और यहाँ पे लिखा था प्रार्थना कक्ष, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ कि कहाँ पे है, तो शायद वही है जहाँ पे दिख रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पे भी कोई कैफेटेरिया ही है भाई सामने। यहाँ नीचे प्रार्थना कक्ष का बोर्ड तो लगा है, लेकिन यहाँ पे गया नीचे तो कुछ भी नहीं है। कैफेटेरिया लिखा हुआ था वो भी कुछ बंद ही है, तो पता नहीं कहाँ पे है प्रार्थना कक्ष। और बाहर का व्यू दिखाऊं मैं अभी, तो ये देखो सवेरा होने वाला है। पाँच बज गए हैं सवेरे के, और यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ नीचे, तो बाहर वाली कैंटीन ये है जहाँ पे सवेरे शाम हम चाय वगैरह पीते हैं।
ये नीचे जाके, और ये अंदर आईसीयू है यहाँ पे। चलो जी, आज पांचवा दिन है हॉस्पिटल में और सवेरे के बज रहे हैं, 10 बज गए हैं, 10:30 ही हो गए हैं और आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, धूप खिली हुई है, ये देखो पीछे, और यहीं पे नीचे कैंटीन थी तो कैंटीन में आ गए हैं। तो परांठे परांठे देखते हैं, खाते हैं फिर आगे निकल। लो जी, कॉफ़ी वगैरह पी गए। क्योंकि सवेरे के बज रहे हैं, 7:08 बज गए, तो अभी हॉस्पिटल में ही है।